तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो। बेल आइकन को दबाने से होगा ये कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है जो आपके लिए स्टॉक से रिलेटेड, कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए कब इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो आप मिस कर दोगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छा लगा तो एंड में एक लाइक देते हुए ज़रूर जाना। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी जो स्टॉक मार्केट में छोटा सा क्रैश आया है, उससे कितने कंपनीज़ को मतलब यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। तो आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ सामने मैंने खोल के रखा है investing.com पे, कि बहुत सारे एक्टिव मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स हैं इंडिया के, जैसे कि आप देख सकते हैं देखो, जहाँ की लॉस देखने को मिला है। तो गाइज ये छोटा मोटा है, मतलब कुछ कंपनीज़ को ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, कुछ कंपनीज़ को कम इफेक्ट पड़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी को यहाँ पे -190, और उसका स्टॉक का प्राइस 2000 के आसपास कुछ है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को देख सकते हैं, उसका भी स्टॉक का प्राइस अराउंड 2000 के आसपास ही है, 2300, मतलब काफ़ी क्लोज है, 2100 और 300, 200 का गैप है। पर यहाँ पर अगर आप लॉस को देखोगे तो 42.90 का बस लॉस देखने को मिल रहा है यहाँ स्टॉक पे, मतलब -1.77%, और अडानी में -8.28%। और जैसा कि आप और नीचे देख सकते हैं, -1%, -2%, इसी टाइप का कुछ कुछ लॉस देखने को मिल रहा है। मतलब ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है, बस अडानी ग्रीन एनर्जी को ही थोड़ा यहाँ बड़ा लॉस देखने को मिला है। इसके पीछे भी एक रीज़न है, अगर आपको जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपको अडानी ग्रीन एनर्जी के लॉस के पीछे का वजह जानना है, और कब इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक में। अगर आपको ये भी जानना है तो प्लीज़ चैनल को कर दो सब्सक्राइब, जैसे कि मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि कब इन्वेस्ट करना है नहीं करना है जानना है, तो आपको कर देना है बस मेरा चैनल सब्सक्राइब। जैसे ही स्टॉक का प्राइस अब जाने वाला होगा, उसके मैं कुछ टाइम पहले ही या फिर कुछ दिन पहले ही जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी तब मैं वीडियो ले आऊँगा, आपको तब इन्वेस्ट कर देना है, आपको पक्का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दे देना, और सब्सक्राइब पक्का सा कर लेना।